नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट दिस सर्विस इज फ्री फॉर कॉस्ट टिल 14/3/2024, मतलब 14 मार्च 2024 तक ये सर्विस फ्री रहने वाली है डॉक्यूमेंट अपडेट की आधार कार्ड के अंदर। तो इसमें फ्रेंड्स, जिन लोगों का आधार कार्ड काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई अपडेशन अपने आधार कार्ड में नहीं करवाया है, तो उनके लिए ये सर्विस जो है वो दी गई है। काफ़ी सारे लोगों को मैसेज भी आया है, मुझे भी मैसेज आया था। तो हालांकि मैंने काफ़ी दिसंबर में ही इसको अपडेट कर लिया था, बट आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें डेट भी देखिए चेंज हो चुकी है, 14 मार्च 2023 की आ रही है। अदरवाइज़ पहले इसमें जो डेट आती थी वो पहले दिसंबर में भी एक बार लास्ट डेट इन्होंने 31 दिसंबर भी रखी थी 2023 की, तो ये डेट फिलहाल तो 2-3 बार बढ़ चुकी है। अब ये जो मैं आप लोगों को दोस्तों होम पेज दिखा रहा हूँ, ये होम पेज इतनी आसानी से डायरेक्ट ये वाला नहीं आया था। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पे आधार कार्ड लिखना है, सॉरी। उसके बाद फिर ये लिंक्स आएंगे काफ़ी सारे, तो मैंने इस पे माई आधार पे क्लिक किया है। माई आधार के लिंक पे क्लिक करने पे अगला लिंक कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए, ये होम पेज है, यहाँ पे एक ऊपर ऐड आती है, पॉपअप आता है। अगर इसको मैं ये देखिए, ये पॉपअप है, तो अगर मैं माई आधार पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन अभी नहीं खुलेंगे जब तक हम इस पॉपअप को कट नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब कट करने के बाद ये देखिए, अब ये सारे माई आधार पे मैं लेके गया और ये सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड आधार पे क्लिक किया है और उसके बाद ये जो फाइनल पेज है ये हमारे सामने आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए डॉक्यूमेंट, अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज आता है तो वो इसमें अपलोड करके हम लोग अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एज इट इज़ है तो भी हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना ही होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे व्हाट टू सबमिट में हम लोग देखेंगे तो क्या दिखा रहा है इसमें। देखिए कि राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, मैंने वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिया है इसमें, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए ओनली फॉर आइडेंटिटी प्रूफ। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं, राशन कार्ड, वोटर आईडी और गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड और सर्विस हैविंग एड्रेस एंड इंडियन पासपोर्ट, ये आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों के प्रूफ के लिए एलिजिबल है। और अगर हम अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, स्कूल ये सब लगाते हैं, स्कूल आईडी कार्ड वगैरह, तो ये सिर्फ आईडी प्रूफ के लिए मान्य होगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए फिर हमें अलग से बिजली बिल, गैस बिल या बैंक की पासबुक या ये सब चीज़ें लगानी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें जमा करनी है। हाउ टू सबमिट में यहाँ पे देखिए प्रोसेस है, द डॉक्यूमेंट कैन बी सबमिटेड ओनली माई आधार पोर्टल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू सबमिशन प्लीज क्लिक हेयर ऑनलाइन। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट इन आधार, विजिट माई आधार पोर्टल एट myaadhar.uidr। तो अगर आप लोग इनकी वीडियो देखना चाहें तो इनकी देख सकते हैं, अदरवाइज यही जो जिस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी में मैंने पूरा आपको सबमिट करके दिखाया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, क्लिक हेयर टू सबमिट, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा, फिर हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स अगला पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन होगा। देखिए, मैं लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से आगे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ से आगे का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। देखिए, यहाँ से लॉगिन होगा, एंटर ओटीपी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, 14/12/2023 है जब मैंने अपडेट किया था, तो ये वीडियो मैंने उसी टाइम बना ली थी, बट क्या है कि किसी कारणों की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें तरीका बताया हुआ है आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या लगेगा, 2 स्टेप में होगा ये कंप्लीट, मतलब हमें 2 डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। और याद रखिए दोस्तों, जिसको मैसेज आया है फ़ोन में उसको अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है, सभी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, जिसको मैसेज आया है स्पेशली फ़ोन में उनको अपडेट करना ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने कन्फर्म, आप लोग भी कन्फर्म कर सकते हैं, और मैंने कहाँ से कन्फर्म की है, 1947 पे कॉल करके, जो कि इनका टोल फ्री नंबर है।
तो ये देखिए ये मेरी डिटेल्स हैं जो इन्होंने दिखाई है, देखिए डिटेल्स हो गई और इसको मैंने वेरीफाई किया है। फिर मैंने यहाँ से आईडी प्रूफ एक सिलेक्ट किया है, ठीक है, आईडी के लिए, और फिर उसको अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद ये देखिए इसमें से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे वोटर आईडी सिलेक्ट किया है क्योंकि वो दोनों में हो जाएगा, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ दोनों के लिए एलिजिबल है, तो एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने पैन कार्ड किया था और ये मैंने आईडी प्रूफ के लिए अपलोड किया है, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने ये अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए नीचे ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, ये देखिए प्लीज़ अपलोड ए वैलिड डॉक्यूमेंट टू सबमिट। ये देखिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जो ब्लू कलर का था यहाँ पे वो अब ब्लैक एंड वाइट टाइप हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने पैन कार्ड अपलोड कर दिया। इस पर क्लिक करके आप लोग की जो कंप्यूटर में फाइल होगी उसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे और ये अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए एड्रेस प्रूफ में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वोटर आईडी ये देखिए सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कर्सर है, वोटर आईडी सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने ओके किया है। देखिए मैंने ये एड्रेस प्रूफ भी अपलोड कर दिया, फिर यहाँ पे आई हेयर बाय, यहाँ पे जब तक टिक नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए खुल जाएगा गेट आपका। ये देखिए यहाँ पे मैंने टिक किया, अब ये नेक्स्ट जो है ब्लू कलर का हो गया, और ये देखिए डेमोग्राफिक डिटेल्स जो है सबमिट करनी थी कर दी मैंने, ओके हो गया, और यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए ओके, इस तरह से बस हम चाहे तो एक्नॉलेजमेंट अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक फ्री सर्विस है और इसमें आगे मतलब जब दोबारा कभी अपडेट करना होगा तो दोबारा ये लोग मैसेज कर देंगे। तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसेस, हालांकि सबको लिए ज़रूरी नहीं है, जिन्होंने काफ़ी पुराना जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनके लिए ज़रूरी है, और ये सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देख सकते हैं फीस भी जीरो है, ठीक है। ये देखिए ये डिटेल्स हैं और ये थी दोस्तों वीडियोज़। और फ्रेंड्स जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि मेरा साइबर कैफ़े का काम ही है, इसलिए मैं ये ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, तो जनरली मेरी वीडियोस जो हैं वो आप लोग रिलाई कर सकते हैं, मतलब काफ़ी रियल होती है मेरी वीडियोस। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है और अब कोशिश करूँगा कि ये वीडियोज़ जो है रेगुलर आती रहें, अलग अलग चीज़ों के ऊपर आप लोग की नॉलेज बढ़ती रहे साइबर कैफ़े से रिलेटेड, ऑनलाइन चीज़ों से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग खुद भी देखेंगे और सभी अपने यारे दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोग को सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।